हम आपको सिंपल ब्लाउज सिलना और कटिंग करना बता रहे हैं। तो ये हमारा कपड़ा हो गया, ये हमने रखा हुआ है। तो हमें इसकी लंबाई लेनी है 16 इंच, तो ये हो गई हमारी 16 इंच। इस पे हमने निशान लगा लिया। अब हमें गला, गला हो गया हमारा 3 इंच का, ये लगा लिया हमने 3 इंच का। अब ये हो गया हमारा 6.5 इंच, इसकी लंबाई है 6.5 इंच गले की। 3 इंच भी हम इधर से ऐसे ही लेंगे जैसे हमने ऊपर से लिया था। अब इसके बाद हम तीरा नापेंगे, तीरा हमारा 7 इंच का। उसके बाद हमें 7 इंच मुड्ढा लेना है, ऐसे इस पर हमको निशान लगाना है। ये हो गया हमारा 7 इंच। इसके बाद हमें अपनी चेस्ट की फिटिंग लेनी है। हमको लेना है 12 इंच, जैसे हमारी चेस्ट है 33 इंच, तो हमारा इतना कपड़ा एक्स्ट्रा आ जाएगा 11 इंच। ये हमारा सिलाई में आ जाएगा, ये हमारा बच जाएगा अंदर। अब हमें गोलाई का निशान लगाना है। 1 इंच हमें इधर से लेना है और 1 इंच ही हमें ऊपर से लेना है। और फिर हमको इस निशान को इस निशान से मिला देना है, ऐसे करके ऐसे इसकी हल्की हल्की से गुलाई करनी है, ऐसे ऐसे। ये हो गई इसकी गुलाई। ऐसी हमें गले की गुलाई करनी है। ये हो गई हमारी गले की गुलाई। अब हम इसको काटते हैं। ये हो गया हमारा पिछला हिस्सा, इस पे बॉर्डर है तो इसलिए हमने अलग काटा है। अब हम अगला हिस्सा ऐसे ही काटेंगे। इसको हमें कपड़े को ऐसे रखना है इस तरह से। इस कपड़े को हमें निकाल देंगे। ऐसे एक दूसरा पीस निकालेंगे। इधर की साइड से निकालेंगे हम।
ये हो गए हमारे दोनों पर्दे। अब इसके बाद हमें इसमें चुन्नटों के निशान लगाने हैं। जैसे कि हमने इस पॉइंट टेप को ऐसे रख लिया, तो हमें हमें इस चीज का हिसाब देखना है कि जैसे हमें तैयार रखनी है, ये तैयार रखनी है हमको 14। जैसे कि हमारी ये लंबाई है 16 इंच, तो हमें ये आध इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है सिलाई के लिए। ये हो गया हमारा सिलाई के लिए। तो इसके बाद हमें तैयार रखनी है इसकी लंबाई 14 इंच, तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये हमारा अंदर को मुड़ जाएगा। तो इसके बाद अब हम चुन्नटों के निशान लगाएंगे। इधर से रखा हमने, तो ये हम अब 11 इंच पे लगाएंगे। ये हो गई हमारी सबसे पहली चुन्नट। इसके बाद हम 2 इंच पे ऐसे रखेंगे इंच टेप को ऐसे, और ये सीधा खींच देंगे इस तरह से। फिर हम इंच टेप को ऐसे रखेंगे, फिर हम इधर की साइड को, फिर हम इंच टेप को ऐसे रखेंगे 2 इंच पे, और ये हमारी इधर की चुन्नट हो गई। तो ये हमारी चुन्नटें तैयार हैं। इसके बाद हम इस कपड़े को ऐसे रख के कर देना है, तो हमारी ये इस तरफ भी आ गई है। इन पे हम हल्का हल्का सा और निशान डाल लेंगे। ये हो गया हमारा अगली पीस तैयार। उसके बाद में ये हो गया हमारा पिछला पीस। तो ये भी हमें ऐसे ही लेना है, हमें ये बॉर्डर सारा नहीं दिखाना, ये हमें इतना लेना है सिलाई में। ये हमारी पिछली चुन्नटों के निशान है। इसके बाद हमें ये 12 इंच पे लेनी है, 12 इंच पे। इसके बाद हमें ऐसे पलट देना है कपड़ा, और ये भी हमारा तैयार हो गया पिछला पर्दा। ये हमारी बाजू हो गई, जो कि हमें बॉर्डर की लेनी है बस। हमें बाजू बाजू का कपड़ा अलग निकाल लेना है। बाजू तैयार करेंगे। ये हो गई हमारी 9.5 इंच। तो हम हमारी कितनी लंबाई है, ये है हमारी 5 इंच लंबाई है हमारी इसकी। तो हम इधर से 3 इंच लेंगे। ये हो गया हमारा 3 इंच, और हम इंच टेप को ऐसे इस जगह पे मिला देंगे, तो हम ऐसे सीधी लाइन खींच देंगे। हम अपनी बाजुओं को काटेंगे। ये हमारी फिटिंग का निशान है, जो हमने अपने ब्लाउज में भी लगाया था। ये इतने, ये हमारी बाजू तैयार। और हम गले की पट्टी निकालेंगे। ये हमारा कपड़ा है, हमने इसको ऐसे रखा, और हमें ऐसे आड़ी पट्टी निकालनी है।
हमें एक एक इंच की पट्टी निकालनी है गले के लिए तैयार, इतनी एक एक इंच की ऐसे हमको सीते कैंची चलानी है। इस तरह से हम ऐसे इसके ऊपर इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे हम दूसरी पट्टी निकालेंगे। जो हमारा बचा हुआ कपड़ा इसको ऐसे निकाल देंगे, फिर हम एक पट्टी को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। ये हमारी गले की पट्टी तैयार हो गई। अब हम आपको सिल के बताएं। अब हम आपको इसे सिलना बताएंगे। ये हमारी पहली चुनरट है, जो हमें थोड़ी ये नीचे से तो थोड़ी चौड़ी लेनी है एक इंच पे, और ऊपर से थोड़ी पतली लेनी है इस तरह से। ये हो गई हमारी पहली चुनरट। ऐसे ही हमें दूसरे पर्दे, जैसे ये हमारा पीस है, इसको हमें ऐसे उल्टे सीधे का हिसाब देखना है। जैसे हमने चुनरटों के निशान ऐसे लगाए तो इधर से ही सिलने हैं, ना कि इधर से। ये हो गई हमारी एक इंच के। दूसरी चुनरट सिलेंगे अपनी।